हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गरम मसाला। ये मसाला जो है आप सब्जी में आधी चम्मच डालेंगे तो सब्जी का टेस्ट जो है बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा। मार्केट के गरम मसाले से कहीं ज़्यादा अच्छी जो है घर की गरम मसाला बनके तैयार होगी। एक बार आप इस मसाले को बनाएं और ट्राई करें, उसके बाद कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मसाले की रेसिपी कैसी लगी। तो बिना देर के हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेजरमेंट के लिए मैं ये ला स्पून का यूज कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसका क्वांटिटी रहता है। तो यहाँ पे मैं लेगी हूँ 4 चम्मच धनिया। धनिया से जो है गरम मसाले का बेस बनता है और इससे कुछ भी ऐसा नहीं कि इसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। और 1 चम्मच ही ले रही हूँ नॉर्मल जीरा, इससे भी है जो है मसाले का बेस ही बनता है और इसमें खुशबू आती है ये शाही जीरा से। तो यहाँ शाही जीरे का मैं 2 चम्मच यूज करूँगी, इससे जो है मसाले में बहुत ज़्यादा खुशबू आएगी। और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम यहाँ पे हम सौंफ का यूज करेंगे। सौंफ की क्वांटिटी हमें यहाँ पे थोड़ी सी कम ही रखनी है, नहीं तो मसाले का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और यहाँ अब हम लेंगे खुशबू वाली मसाला। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 4 बड़ी इलायची, 5 लेंगे स्टार फूल। इन सबसे मसाले में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। 3 लेंगे जायपत्री, 2 से 2.5 इंच का हम यहाँ पे लेंगे दालचीनी। तो मैं यहाँ इसे इस तरह तोड़ के ले रही हूँ। इस तरह मोटे मोटे आते हैं सिगरेट की तरह बिल्कुल, और कुछ पतले भी आते हैं, तो इसकी क्वांटिटी आपको थोड़ी सी ज़्यादा लेनी होगी। यहाँ लेंगे 20 से 25 छोटी इलायची और यहाँ पे हम लेंगे लौंग। लौंग की क्वांटिटी यहाँ में थोड़ी सी कम रखनी है। एक तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है और साथ ही साथ इससे मसाला जो हल्की सी कड़वी हो जाएगी अगर आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे, तो थोड़ा सा कम रखना है। और उससे भी कम हम यहाँ पे रखना है काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर, जिससे जो है मसाले में कड़वापन नहीं आएगा और इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और 1 बड़ा सा हम यहाँ पर लेंगे जायफल, 4 से 5 लेंगे तेज़पत्ता। तेज़पत्ता को हम यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, जिससे जब हम इसे रोस्ट करें तो वो परफेक्ट रोस्ट हो। यहाँ पे सारे मसालों को बिल्कुल इसी मेजरमेंट के साथ ले और बनाए। और जायफल को हम यहाँ पे तोड़ लेंगे, जिससे रोस्ट करने में और इसे पेस्ट बनाने में भी आसानी हो। तो इस तरह बहुत हल्की होती है तो बहुत जल्दी टूट जाती है। यहाँ पे हम एक पैन लेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखेंगे। हम सारे मसालों को लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है। तो धनिया को रोस्ट करने में हल्का सा टाइम लगता है, इसीलिए हम पहले इसे 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद बाकी मसाले को डालेंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इसी तरह कंटिन्यू थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं धनिया थोड़ा सा रोस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम जीरा और सौंफ को डाल देंगे और इसे फिर से अच्छे से रोस्ट करेंगे। इस मसाले को तैयार होने में 15 से 20 मिनट आपको आराम से लग जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे कंटिन्यू इसी तरह रोस्ट करना रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह आपको हल्के हाथों से रोस्ट करना है। तो यह मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ आप चाहे तो इसे निकाल के फिर बाकी मसाले को रोस्ट कर सकते हैं, पर अगर आप इसी में ही मसाले को डाल दें तो मसाला जो है जल्दी रोस्ट हो जाएगा और साथ ही साथ इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी। तो इसी तरह हम धनिया के साथ में ही बाकी मसालों को भी रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले से किस तरह हल्की हल्की धुआं आने लगी है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो इसके लिए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक बार इस गरम मसाले को घर में बना के ज़रूर ट्राई करें। तो अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पे हम बिल्कुल सूखी जार लेंगे, नहीं तो हमारे मसाले जो है ख़राब हो सकते हैं। तो अब हम इसे इसमें डाल देंगे जार में। और इसका ढक्कन लगा के बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। इस मसाले को अब बना के आराम से 2 से 3 महीने के लिए घर में यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट की गरम मसाले जैसी ये दिखती है, पर इसका खुशबू जो है मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप मार्केट की मसाले को जो है 1 चम्मच यूज करें तो इसको आप आधा चम्मच यूज कर सकते हैं। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं मेरे पहले की बनी हुई गरम मसाला, मैं इस तरह डब्बे में बना के रखती हूँ। इसी तरह मैं चिकन मसाला भी बनाती हूँ, तो अगर आपको उसकी भी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ।
और एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अगर गरम मसाले की अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इसे अब हम ढक देंगे और इसे आराम से आप 2 से 3 महीने के लिए खा सकते हैं।